दर्शक बंधु कहीं किसी बुझा पूर्व हठात मार्केट रे जो पनीपरिया बिक्री होनीपरिया दर से लगी ग्राहक मैंने किणवाई से मैंने बर्तमान होती छानिया आउ व्यवसायी मैंने आराम रे बिक्री कर बहुत दरदाम रही प्रत्येक पनीपरिया तेज कौन रही दरदाम आउ व्यवसायी मैंने कहे जे कहीं पनीपरिया रेट हठात बढ़ला क्यों कारण अच्छी या पचर पनीपरिया दर दाम जो वृद्धि पाई पचर कौन कारण रही व्यवसायी मैंने कहे आसतु जी पचारि बुझा एवं ग्राहक मानू पचारि बुझा से मैंने कहे ये जो वर्तमान पनीपरिया रेट जो बढ़ी ताकू जो किणुंट केमी से मैंने परिस्थिति भितर रोच्च आसतु जी समस्त प्रतिक्रिया नवा पनीपरिया तो एत रेट बढ़ी जाइए बहुत असंतुष्ट होवा चलवा भी बहुत मुश्किल जदि गवर्नमेंट या देखता कि पनीपरिया रेट छुआ गए सबुर पर रेट कम अच्छे भेंडी आ सबु पर रेट अधिक अच्छे ठाकुर भेंडी अच्छी कोड़े पोटल अच्छी आपणकर षाठी झुड़ुंग अच्छी सतुरी बैगण अच्छी पचास आपणकर कलरा चालीस पर रेट बहुत अधिक टमाटो रेट को गोटे भेरी करुच्छे गोटे जगार चालीस कहले किए कोड़े किए तीस पचास सब अलग अलग रेट रेट को नहीं कौन कहे रेट को कहे जदि गवर्नमेंट आम कथा कि बुझाता कि पर रेट टे कम देखता तो आम मानी मध्यम धरण लोक बहुत भल हाँ बर्तन टमाटो रेट के टमाटो रेट 60 टका अच्छी केबेटू बढ़ी 60 टका सात आठ दिन बढ़ी आगुर केते रेट थिला 20 टका 30 टका थिला कोन 20 टका 30 टका थिला कोन पाई एते रेट हटात बेंगलोर रु टमाटर नाही बर्तन टमाटर बेंगलोर रे 50 टका किलो सेति बिगे एते टमाटर ऑफ आमदनी अछि सेति बिगे रेट ता ऊंचा अछि प्रत्येक दरदाम बढ़ी प्रत्येक पनीपरिया दरदाम भी बढ़ी ताको नहीं कौन कहे आप व्यवसायी प्रत्येक पनीपरिया दरदाम कौन बढ़ी भेंडी तो 15 टाँग 20 टाँग पोटल तो 40 टाँग बैगण तो 30 टाँग बढ़ी कौन बैगण रेट 50 रु 60 टाँग नहीं आम रेट पचारिथिलु बजार में ग्राहक मैंने तार रेट 50 60 टाँग अच्छे आप टमाटो बिकुचंती टिके पचारि बैगण रेट केमती बढ़ी कौन कारण है कौन कौन पर बिक्री कर बैगण काकुड़ी पोटल जहनी भेंडी झुड़ुंग कलरा सब आइटम मिले बैगण रेट केते कलरा रेट केते पोटल रेट केते पोटल आज्ञा 50 टाँह अच्छी बैगण आज्ञा 35 रु 40 अच्छी कलरा किलो 50 टाँह अच्छी रेट बढ़ी जाइए या पचर कारण कौन या पचर कारण आज्ञा ये सब नटी जातीय फसल जहनी हूँ कलरा हूँ तेरा मासे डेढ़ मस दुई मस भर फसल मसे डेढ़ मस ठीक से रेट रहा उत्तापटा बढ़ला उत्तापटा बढ़िया हेतु फसल टे कमला कमिया हेतु रेट टे बढ़ला कहार रेट कौन अच्छे आज्ञा बैगण अच्छी ना भल बैगणटा 40 टाँग 35 टाँग 40 टाँग लंबा बैगण अच्छे 25 टाँग 30 टाँग टे कमजोर बैगणटा 20 टाँग आउ पोटल आउ कलरा ये सब कलरा आज्ञा बहुत उच्चा रेट है बर्तमान कारण काट छिड़ी जाइए ना बर्तमान चाषी को द्वारा माल ना जहाँ अल्प अल्प आसे बहुत आमदानी कम आसूसी जेहेतु कम आसे ना लोकाल मार्केट को से आमदानीटा पूरा संपूर्ण आवेलेबल होनी तेणुकर से उच्चा रेट हो यही बर्तमान किसी कारण ना हटात गोटे पनीपरिया रेट बढ़ीगला कौन आज्ञा ये जो बहुत जोर खरा है आज्ञा खरार गचर फुल सब नष्ट नष्ट फल ठीक से आसलानी फल जहाँ आसला खरा सब झड़गला बाहर मार्केट माल सब आसवा कथा से माल आमदानी कमला तेणु लोकाल मार्केट जी आस आमदानी हवा कथा से कमे उच्चा रेट होगा आप बर्तमान पनीपरिया रेट किसी कारण न था बढ़ी ताको नहीं कौन कहे कारण अच्छे आज्ञा प्रचुर गरम हेतु पनीपरिया फसल हानि जो पचरे वर्षा है फसल किसी कटिला से मार्केट रेट ऊंचा रहा मार्केट सर्ट है खरा सकते प्रचुर आमदानी हो पारे वर्षा नहीं
ଲୋକ ଯେତିକି ଚାଷ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଚାଷ କମିଗଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଚାଷ ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେଟ୍ ହେବ, ଏବେ ଯାହା ହେଇଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରେଟ୍ ହେବ। ପନିପରିବା କ'ଣ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? କଲରା, ବାଇଗଣ, ଆମ୍ବ, ଆଉ ଫଳମୂଳ, ଟମାଟର, ଏସବୁ ଆଉଛି। କେଉଁ ପନିପରିବାର ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? କଲରା ଅଛି 30 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ କିଲୋ ଅଛି 40 ଟଙ୍କା, ଆମ୍ବ କିଲୋ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଇଏ ଅଛି ଗାଜର ଅଛି 40 ଟଙ୍କା, ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି। ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଅଛି 35 ଟଙ୍କା। ଏଇ ପନିପରିବା ହଠାତ୍ କାହିଁକି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି? ବଢ଼ିକି ମାନେ ସତେଜ ହେଉଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ ଏଇଟା, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହକା ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେବେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ସତେଜ ହେଉଛି, ମାଲ୍ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଉଛି ଏଇ ବଢ଼ିଛି ସମସ୍ତେ ଏ ଆଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ପଣସ କଟା। କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ତା'ର? ଆଜ୍ଞା କଲରା 40 ଟଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି 20 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 15 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 30 ଟଙ୍କା, ପଣସ କଟା 20 ଟଙ୍କା। ହଠାତ୍ ପନିପରିବାର ଦରଦାମ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ'ଣ ବଢ଼ୁ, ଯେମିତି ବଢ଼ିବା ବଜାର ବଢ଼ିବ, ଆମେ ସେମିତି ବଢ଼ିଆ ରେଟ୍ରେ ବିକିବୁ। ବଢ଼ିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି? କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ହେଲା, ବିଲରେ ଆଉ ଅମଳ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି 20 କିଲୋ ବାହାରିଲା ଏକା 10 କିଲୋ ବାହାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲା। ଗ୍ରାହକ ଆଗରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ କେତେ କ'ଣ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କେତେ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ 10 ଟଙ୍କାରେ କାକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ସରୁନଥିଲା, ଅଲଗା ବିଲରୁ ଯେଉଁଠି 50 କିଲୋ ତୋଳା ହେଉଥିଲା ସେଠି ଅଲଗା 10 କିଲୋ ତୋଳା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା। ଗ୍ରାହକ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ? ଆଗରୁ କେତେ ଗ୍ରାହକ? ଯେଉଁ 75% ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଅଲଗା 25% ବି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଖରା ସକାଶେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପନିପରିବା ରେଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ଖରା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଖରା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପନିପରିବା ରେଟ୍ ତ ଯାହା ହେଲେ ଲୋକ ଖାଇବେ, 50 ହେଲେ 250 ନେଇ ଖାଇବେ, 20 ହେଲେ କିଲେ ନେଇ ଖାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପରିବାର ରେଟ୍ କାହିଁକି ବଢ଼ିଛି, ତା ସହିତ ପରିବାର ଆମଦାନୀ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଜିନ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଏହି କଥା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହୁଥିଲେ। ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ, ଗ୍ରାହକ କ'ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ପରିବା ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପରିବାର ରେଟ୍ କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।